कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 10.1 अध्याय 10 सरल रेखाएं। प्रश्न 7वां, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो वाय अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 अंश का कोण बनाती है। मान लो एक कौन सी ऋजु रेखा L, ये हमने मान लो ये कौन सी एक रेखा ये बना ली, एक रेखा ये खींच ली कौन सी एक्स अक्ष और दूसरी रेखा ये खींच ली कौन सी वाई अक्ष। ये दो रेखाएं खींच ली, एक को हमने क्या कह दिया एक्स अक्ष और दूसरी को हमने क्या कह दिया वाई अक्ष। ये हो गया मूल बिंदु O। ये कौन सी वाई अक्ष के साथ कितने अंश का कोण, 30 अंश का कोण बनाते हुए कोई रेखा इस प्रकार से मान लो जाती है, कितने अंश का कोण 30 अंश का कोण। अगर यहाँ वो 30 अंश का कोण बनाएगी तो निश्चित है यहाँ अंदर भी कितने अंश का कोण 30 अंश का कोण बनेगा। यहाँ मान लो बिंदु A है, ये बिंदु A यहाँ पर मान लो थीटा कोण बना दे, कितने अंश का कोण बनाते थीटा का कोण बनाते। तो ऐसी कंडीशन में मान लो एक ऋजु रेखा L वाई अक्ष की कौन सी धन दिशा में, वाई अक्ष की ये इधर साइड कौन सी दिशा है धन दिशा से वामावर्त, धन दिशा से क्या बाई तरफ कितने अंश का 30 अंश का कोण बनाती है। बनाते हुए x अक्ष को बिंदु A पर तथा कौन सी अक्ष को y अक्ष को बिंदु B पर क्या करती हुई काटती हुई, काटती हुई है। तब हम मान लेते माना ए बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि ये x अक्ष पर है इसलिए इसका y निर्देशांक क्या होगा जीरो होगा, निर्देशांक होगा क्या x जीरो तथा b बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं ये वाई अक्ष पर है इसलिए इसका x निर्देशांक जीरो होगा, तो ये क्या होगा जीरो कामा वाई। अब यदि देखें हम तो हम जानते हैं कि कोण ABO की माप बराबरी से कितनी है 30 अंश है। अब हम जानते हैं कि ABO की जो पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है, यहाँ पर O है, तो ऊपर 30 का कोण बन रहा था तो यहाँ भी 30 का कोण बन रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ 90 का कोण है तो बचा A कोण, कौन सा कोण A कोण कितने का बनेगा 60 अंश का, क्यों क्योंकि 90 ऋण 30 ये थीटा है तो थीटा की माप क्या आएगी, क्योंकि थीटा बराबरी से क्या होगा 90 अंश में से 30 अंश को घटाने पर थीटा की माप आ जाएगी। इसलिए रेखा की प्रवणता, इसलिए काहे कि इस रेखा की प्रवणता या जिसको कि हम कहते ढाल M क्या होगी 10-60 अंश के बराबर, और 10-60 अंश का मान क्या होता करनी थी। परंतु A और B भी रेखा परंतु A व B बिंदु द्वारा रेखा की क्या निकाल सकते हैं ढाल हम जानते वो क्या होगी सूत्र होगा हमारे पास y2 - y1 /
x2 माइनस x1 की सहायता से, तो m बराबर इसे क्या होगा, y माइनस 0 बटे 0 माइनस x बराबर इसे माइनस y बटे x। अब क्योंकि यहाँ अब ध्यान से देखें तो हमारे पास m के दो माना गए, m का एक माना गया करणीय 3 तथा m का दूसरा माना गया ऋण y बटे x। दोनों ही m के मान है, इसका मतलब दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। यदि दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए ऋण y बटे x की मान किसके बराबर, करणीय 3 के बराबर। त्रिया गुना करेंगे तो क्या आएगा, करणीय 30x बराबर ऋण y। इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, करणीय 3x धन y बराबरी से 0। अतः अभिष्ट रेखा का क्या आ गया, समीकरण। अतः अभिष्ट रेखा का हमारे पास समीकरण आ गया, अभिष्ट रेखा का समीकरण क्या आ गया, करणी 3x धन y बराबरी से क्या, 0। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतनी, शेष का धन्यवाद।